केंद्र सरकार द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद भी देश में तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। हाल के मामले में एक पति ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर तीन तलाक सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि पत्नी ने अपनी आईब्रो ब्यूटी पार्लर में सेट कराई थी। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां एक पति ने वीडियो कॉल के दौरान अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पति ने रोज की तरह अपनी पत्नी को सऊदी अरब से वीडियो कॉल की थी, जिसमें उसने पत्नी की आईब्रो पर ध्यान दिया। उसने उससे पूछा कि तुमने आईब्रो बनवाई है? पत्नी के हाँ कहते ही पति तिलमिला गया और तलाक दे दिया। ससुराल वाले भी पति का ही साथ दे रहे हैं। मैंने परेशान होकर पुलिस में शिकायत की है। हम 4 अक्टूबर के बाद कर रहे थे अपने शोहर से वीडियो कॉलिंग पे। अब वो सऊदी में है वो, और हमसे उनकी नज़र पड़ी हमारी आईब्रो पे, तो हमसे कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, फिर भी बनवा लिया। तो हमने कहा कि नहीं, कहाँ बनी है, कहीं देखो बनी तो है। आखिर बात नहीं मानी, फिर 8 दिन वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं मानी ना बात मेरी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही तीनों बार ऐसे ही बोल के और फोन काट दी। फिर हमने उनसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं हुई तब से उनसे। आपने कॉल किया था? नहीं, हमने कॉल भी नहीं की। हम खुद इतने उसमें हो गए थे कि हम करें तो क्या करें। फिर बाद में हमने अम्मी से बताया शाम के, तो फिर अम्मी ने हमारी बात करी था, तो अम्मी से कहने की जो हमने कहा है उसको मालूम है। तो आपने इस बात के लेकर कहीं कोई शिकायत करने किसी पास गए थे? हम कमिश्नर के पास गए थे, उनके से इनको एप्लीकेशन दी है 12 तारीख के। फिर उन्होंने हमें चौकी पे भेजा होगा उन्होंने, तो फिर हमें चौकी पे बुलाई ने वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे भी बात आत हुई है वहाँ सऊदी में, तो उनको उनके घर वालों को बुलाई था। अब मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। अब आप क्या चाहेंगे? अब इंसाफ हो और क्या चाहेंगे, जो सही हो वो कहें। इस मामले को बताते हुए कलेक्टरगंज सर्किल के ACP निशांक शर्मा ने जानकारी दी कि पीड़िता का पति सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। उसने जब वीडियो कॉल के दौरान अपनी पत्नी की आईब्रो देखी तो वह तिलमिला उठा और उसे तीन तलाक दे दिया। ये थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि जो महिला है उसके ससुराली जनों के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले इस महिला के पति ने इसे सऊदी अरब से इस बात पर तलाक दे दिया कि इस महिला के द्वारा अपने पति के मना करने पर अपनी आईब्रोज बनवाई गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार तीन तलाक के खिलाफ जून 2019 में कानून लाई थी, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर इसे कानूनी मान्यता दी थी। इस कानून के मुताबिक सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित कर सजा का प्रावधान किया था। Thank you.